बिना देरी के हुए, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 12, यदि टैन थीटा बराबर पी क्यू पी बटा क्यू, तो पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा बट्टा पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा का मान होगा, क्या होगा? देखिए फॉर्मूला क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। इसके मुताबिक क्या होता है कि ये तो पी का मान ये हो गया, क्यू का मान ये हो गया कॉस। तो देख लीजिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब यहाँ पी का मान रखेंगे पी गुने पी, तो पी स्क्वायर पी स्क्वायर, और क्यू यहाँ कॉस का मान क्यू, तो क्यू गुने क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होगा, क्या होगा? तो देखिए क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर तो यहाँ पर है, चलिए बट्टा में देख लीजिए, तो प्लस है तो प्लस में होगा, ठीक है, कि पी से गुना करते पी स्क्वायर, क्यू से क्यू स्क्वायर प्लस में हो गया, ओके। क्योंकि यहाँ पर तो होगा नहीं, यहाँ पर माइनस में ये होगा नहीं, और यहाँ वाली सिर्फ माइनस वाला है, प्लस वाला नहीं है, इसलिए नहीं होगा, ठीक है। आए देखिए, वन प्लस कॉट स्क्वायर और वन माइनस कॉस स्क्वायर इसकल टू क्या होगा? देखिए तो वन प्लस कॉट बराबर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, इसका क्या होता है वन प्लस कॉट, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इस दोनों का मतलब क्या होता है एक होता है, क्या होता है एक होता है, मतलब वन प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर और वन माइनस कॉसेक साइन स्क्वायर, ठीक है। आगे कॉसेक स्क्वायर 57 माइनस टेन स्क्वायर 33, तो क्या होगा? देखिए इसे फॉर्मूला चेंज करना है, कॉस स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री, तो ऐसे कर सकते हैं कॉस कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा सॉरी 33 डिग्री है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो कॉस का थीटा माइनस टेन का थीटा अर्थात 33 हो जाएगा, ये भी 33, तो इसका टू कितना हो जाएगा एक, क्या हो जाएगा प्लस में, ठीक है। आगे देख लीजिए वन माइनस टेन स्क्वायर, तो देखिए वन माइनस टेन का क्या होता है, टेन का मतलब एक का स्क्वायर एक ही होगा, वन प्लस एक स्क्वायर तो एक ही होगा, तो यहाँ वन माइनस एक वन प्लस एक जीरो बाय आप देख लीजिए टू बराबर जीरो, तो ये जीरो किसका मान होता है, देखिए जीरो किसका मान होता है, साइन सॉरी ये साइन 90 होगा, साइन 90 डिग्री का मान तो जीरो होगा नहीं, टेन 90 का मान तो जीरो होगा नहीं, और साइन प्लस का मान तो होगा नहीं जीरो, तो क्या जाएगा साइन जीरो क्या होगा, साइन जीरो डिग्री का मान साइन जीरो होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, टेन 45 डिग्री का मान एक होता है, तो एक कहाँ है, यहाँ और यहाँ, देखिए एक टेंसर ये दोनों होता है, टेंसर का क्या रूट तीन होता है, क्या होता है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, यदि साइन थीटा और कॉस थीटा, देखिए इस दोनों का थीटा का मान बराबर होना चाहिए, देखिए तो क्या होगा 45 डिग्री का मान एक बटा दो होता है, क्या साइन 45 और कॉस 45 का मान कितना होता है एक बट्टा दो, ठीक है, क्या होता है एक बट्टा दो होता है एक